कितनों ने कहा कि सर मैं आ गया? आई एम कमिंग, मैं आ गया, आई हैव कम। आपने क्या बोला? कम्ड, कम्ड बोला था ना। तो कम केम, कम ही थर्ड फॉर्म होती है। ओके तो मैं आ गया हूँ, यानी काम हो चुका है, हो चुका है कहूँ या फिर हो गया है कहूँ या काम हुआ है, कुछ भी कहूँ, यानी तीनों का मतलब सेम ही है। तीनों का मतलब क्या कि काम फिनिश होने की बात है, सेंस समझा करो हमेशा, राइट। तो मैं आ गया तो कौन सा स्ट्रक्चर लगता है जब काम फिनिश हो जाता है? तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, मैं आ गया, कैसे बोलेंगे? ये आपको हैबिट में डालना है। मुझे नहीं लगता अभी भी आप घर पे बोलते हो। बोलते हो? डू यू स्पीक एट होम? बोलते हो या नहीं बोलते? अरे नहीं सर, नहीं बोलते ना, वी डोंट स्पीक, वी डोंट। मतलब अच्छी बात है कि भाई कम से कम मना तो कर रहे हैं, और कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं ऐसे, छिप रहे हैं पीछे जाके। उनका भी आंसर यही है कि नहीं करते। वी डोंट प्रैक्टिस, वी डोंट प्रैक्टिस, वी डोंट स्पीक, हम नहीं बोलते सर। हाँ सच्चाई है, एट होम। ये आपको बोलना है बेटा, बोले बिना नहीं आएगी लैंग्वेज। मैं स्ट्रक्चर सिखा दूंगा, वो अभी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया मैंने, और जितने मैं 1.5 घंटे में प्रैक्टिस करा सकता हूँ मैंने करा दी। बट जब तक आप अपने आप उनको स्ट्रक्चर्स को अप्लाई नहीं करोगे, कुछ नहीं आने वाला, चाहे भगवान आके सिखाएं। और पीके वाला सिस्टम है नहीं हमारे पास, पीके में देखा था ना, और हाथ पकड़ा लैंग्वेज ट्रांसफ़र हो गई। तो का हलवा, थोड़ी देर बाद आमिर खान बोल रहा था, ए बबुआ अब पीके हो का, वो भी सीख गया था ना वहाँ पे। तो वो वाला सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लिसन और प्रैक्टिस, लिसन एंड स्पीक, लिसन एंड स्पीक, दो चीज़ें होनी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज का। जब सुन रहे हो, सीख रहे हो, जो इनपुट जा रहा है वो जब तक उसको बाहर नहीं निकालोगे ना, मतलब यहाँ से नहीं, यहाँ से तो दोनों से इनपुट ही हो रहा है, इनपुट और दूसरा सेंस हो जाते हैं ना, यहाँ से सुनो यहाँ से निकालो, बट यहाँ से सुनो और यहाँ से निकालना ज़रूरी है। जब तक मुँह को चलाओगे नहीं वो ट्रेंड नहीं होगा। सिंपल है, तैरने से तैरना आता है, स्विमिंग कम्स बाय स्विमिंग, नाचने से नाचना आता है ना, डांसिंग कम्स बाय डांसिंग। कभी सुना कि मैंने डांस देखा और मैंने सीख लिया? नो, देख देख कर लोग स्टेप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बाइक चलाने से चलानी आई होगी ना, कोई भी काम करने से करना आया ना। लिखना सीखा था तो लिखने से लिखना आया ना, तो लिखने से ही लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। अब हर चीज़ में सीखनी होती है आपको, कर लेते हो। बाइक चलाने सीखने तो आप चुपचाप छिपा छिपा के बाइक को लेके जाओगे और चलाओगे, है ना। हम भी छोटे छोटे ऐसे करते थे, मेरे पापा का स्कूटर था, बड़ी आवाज़ करता था, तो मैं और मेरा भाई धक्का लगा के चुपचाप लेके जाते थे, ना उसमें पत्ती लगा के उसको स्टार्ट कर लेते थे, हमें पता था कैसे स्टार्ट होता है। या नहीं करते थे, दूर ले जाकर वहाँ स्टार्ट करके फिर चलाते थे, वो चलाया ना हमने, उस चीज़ में हम पीछे हटते ही नहीं हैं। तैरना हमें नहीं आता लेकिन फिर भी हम स्विमिंग पूल में कहीं जहाँ पे मिल जाता मौका हम हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं, और ऐसे जब करते हैं ट्राई करते रहते हैं, कुछ दिनों बाद हमें स्विमिंग भी आ जाती है। बाकी चीज़ों में हम ट्राई करते हैं, इसमें हम ट्राई नहीं करते। बस मैं वही चीज़ चाह रहा हूँ कि बोलना तो आपकी आदत है, बस वही चीज़ आपको इंग्लिश में करनी है। लिखने से लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग, रीड करने से रीड करना आता है, रीडिंग कम्स बाय रीडिंग, बोलने से ही बोलना आता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ, ये मैंने खुद भी अप्लाई की हैं बचपन में। ये मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ना सारी चीज़ें, ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है एक तरीके से, लेकिन मुझे लगे बहुत साल सीखने में, बहुत मेहनत लगी, मुझे किसी ने ऐसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं दिया था। बट आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि इस पर गाइड कर रहा हूँ, बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क। एक एक स्ट्रक्चर पर मैंने बहुत टाइम लिया, मुझे नहीं लगता कि कितना टाइम लेगा। सिर्फ एक दिन कराते हैं कि आज हम सीखेंगे बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इतना करा के घर भेज देते हैं। सच्चाई यही है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट पर जाके देख लेना, आपको क्या कराएंगे, सिर्फ आज हम बेटा कंटिन्यूस टेंस सीखेंगे, बाकी के अंदर में रहा रही है, इसमें जम रहा था, एन जी आता, बस करा के छोड़ दिया, 10 सेंटेंस लिखने दे दिए घर से, 10। मैंने तो यहाँ पर हज़ारों बनवा दिए होंगे आपसे। करवा रहा हूँ नहीं करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस के दिन अलग से निकलवा रहा हूँ, बाद में प्रैक्टिस, क्लास से पहले प्रैक्टिस, बट मैं चाहे कितना भी जोर लगा लूँ, जब तक खुद चलने की आपके अंदर वो नहीं होगी ना इच्छा, तो आप नहीं पहुँच पाओगे मंजिल पर। ऑर्डर, सो यू विल हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ। आई कैनॉट वर्क फॉर यू, आई कैनॉट वर्क फॉर यू। तो आज से मैं ये नहीं चाहता कि हम सर हिंदी बोलते हैं घर पे, अब भी इतने स्ट्रक्चर्स हो चुके हैं कि इनमें आप प्रॉपरली आराम से बढ़िया इंग्लिश बोल सकते हो, सारे लगभग लगभग सारे सेंटेंसेस आपके बन सकते हैं। सो इंग्लिश बोलोगे? कैसे बोलेंगे? बोलेंगे अभी आई विल स्पीक इंग्लिश नाउ, हम बोलेंगे तो वी लगाओ, वी विल स्पीक इंग्लिश। कुछ तो अभी भी ऐसे बैठे, बोलेंगे बोलेंगे, है ना, बोलेंगे लेकिन बोल नहीं रहे, अभी नहीं बोल रहे तो घर पे कैसे बोलोगे? हम बोलेंगे, बोलो वी विल स्पीक इंग्लिश नाउ, फिर से बोलो। अब हम आज सीख रहे हैं फ्यूचर,
क्या सीख रहे हैं? ये सेंटेंस हमने फ्यूचर का ही बनाया है, यानी जो काम हमने अब तक क्या सीखा है, कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, बोल रहा हूँ, तो मैं बोल लिया अभी अभी, तो हैव लग जाता है, आई हैव स्पोकन, कैसे बोलेंगे, आई हैव स्पोकन, ज़्यादा पुरानी बात है, पास्ट की बात है तो सेकंड फॉर्म लग जाती है, मैं बोला था कल, आई स्पोक, सुबह बोला था, आई स्पोक इन द मॉर्निंग, राइट, सेकंड फॉर्म लग गई, ये सीखा ना मैं बोल सकता हूँ, अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ, सर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, और मैं सलाह दूंगा, शुड लगा के दूंगा, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको बोलना चाहिए, अब देखो यू शुड, अब इंग्लिश नहीं बोलोगे मुझे बुरा लगेगा कि भाई इतनी मेहनत करी फिर भी नहीं मुझसे आपकी निकल रही इंग्लिश, राइट, यू शुड स्पीक इंग्लिश। मैं छोटा था क्या करता था, एक एक सेंटेंस में ज़्यादा नहीं सीखता था, मैंने सीख लिया कंटिन्यूस, अंज सीख लिया बस, बैठ के गली में बनाता रहता था सेंटेंस, अंकल इज कमिंग, अंकल इज गोइंग, ऐसे करके जहाँ भी दिक्कत आती अपनी सिस्टर के पास भागा भागा जाता था, मैंने इसकी इंग्लिश क्या होगी, ऐसे कर करके सीखी। जब आप बनाओगे आपके सामने वर्ड्स भी आएंगे, कहीं कहीं स्ट्रक्चर्स में अटकोगे भी, तब आप मुझसे पूछोगे, तभी ऐसे धीरे धीरे इंप्रूव होगी, गॉट इट। तो इसीलिए ध्यान रखना कि बनाओ सेंटेंसेस को, जैसे मैंने आईएनजी सीख लिया, अभी कौन कौन क्या कर रहा है, मम्मी सब्जी लेने जा रही है, तो मदर इज़ गोइंग टू मार्केट, राइट, या मदर इज़ गोइंग टू बाई वेजिटेबल्स, ऐसे करके सपोज करता रहता था कि अब मम्मी टीडे खरीद रही है, मम्मी ये कर रही है, वो कर रही है, मम्मी बाइक पर बैठ रही है, मम्मी आ रही है, फिर फाइनली मम्मी आ जाती थी, फिर हमने सीख लिया हैज़ हैव, मतलब काम हो गया, अब आईएनजी के साथ साथ हैज़ हैव ऐड कर दिया कि भाई मम्मी जा रही है तो मदर इज़ गोइंग, अब चली गई, मदर हैज़ गॉन, अब मम्मी सब्जी खरीद रही है, मदर इज़ बाइंग वेजिटेबल्स, अब सोच रहे तब खरीद ली, माई मदर हैज़ बॉट वेजिटेबल्स, सिंपल है, राइट, वो आ रहा है ही इज़ कमिंग, अब वो चला गया ही इज़ गॉन, है ना, वो जा रहा है तो ही इज़ गोइंग, वो चला गया ही इज़ गॉन, वो आ रहा है ही इज़ कमिंग, वो आ गया ही इज़ कम, मैं पढ़ रहा हूँ आई एम स्टडिंग, और मैं पढ़ लिया, एक एक स्ट्रक्चर करा कि मैंने आपको हैबिट में डालने के लिए दिया था, राइट, बस वो चीज़ नहीं करोगे तो इकट्ठे होते चले जाएंगे, फिर दिक्कत होगी, तो आगे चले, शैल वी गो अहेड। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, ना तो कर रहे हैं, ना किया था, ना करेंगे, मतलब जो भी है पास्ट की बात कर रहे हैं, हम करेंगे की बात कर रहे हैं, जो काम हमने किए नहीं है अभी हम करेंगे, जैसे अभी हम क्या करेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, सीखेंगे ना अभी, तो कैसे बोलेंगे, वी विल लर्न इंग्लिश, यानी फ्यूचर के लिए आपको क्या लगा देना, विल लगा देना है, आई विल हो, यू विल हो, दे विल हो, शी विल हो, कोई भी हो, वी विल एक्शन, क्या बोलेंगे, ही विल एक्शन, शी विल एक्शन, राइट, वी विल एक्शन, दे विल एक्शन। अब आपने एक बचपन में एक चीज़ और सीखी होगी कि आई और बी के साथ तो सर शैल लगता है, राइट, जो शैल है वो प्रॉपरली हटा दिया गया है आज से बहुत साल पहले ही, बट हमारी जो बुक्स है उनमें जो पुरानी बुक्स है पुराने पैटर्न पे चली आ रही हैं, तो उनमें आज भी शैल को मेंशन कर देते हैं, हालांकि अंग्रेजों ने भी छोड़ दिया है, तो शैल का यूज़ इस तरीके से नहीं होता, शैल का दूसरे तरीके से यूज़ होता है किसी और चीज़ में, बताऊँगा मैं, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम्स में नंबर चाहिए ना, तो वहाँ पर अपना शैल लगा देना आई और बी के साथ, कभी कहो दीपक सर ने भी कहा था, राइट, तो आपको बोलने में और कभी जैसे स्पोकन आप जितनी भी आप कर रहे हो उसमें आपको शैल नहीं लगाना, विल लगाना है, गॉट इट, कोई भी नहीं लगाता, बट वो पुरानी बुक्स हैं, पुराना पैटर्न है, ठीक है, चल रहा है, जो भी है उनको नहीं बदला जा रहा, तो मैं कोई काम करूँगा अभी किया नहीं है, आई विल एक्शन, आई विल एक्शन, अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा, आई विल टीच यू, आज मैं आपको विल सिखाऊँगा, आई विल टीच यू विल, दो विल लगा दिया हमने एक सेंटेंस में, एक तो मैं सेंटेंस को ही बना रहा हूँ, मैं सिखाऊंगा, आई विल टीच यू, कैसे सिखाऊंगा, विल, आई विल टीच यू द यूज ऑफ विल, फिर से बोलो, यानी जो कोई काम हम करेंगे हमें सबके साथ क्या लगा देना, विल लगा देना। लेकिन आपने बचपन से एक चीज अपने दिमाग में बिठा रखी है, जहाँ पे गा गे गी आ जाए वहीं पर क्या होता है हमारा, कहीं पानी है चुल्लू भर इसको नहीं डबोरा मैं ही बचू हाँ, तो कोई मैं काम करूंगा तो विल आएगा, आई एन जी कहाँ से घुसा दिया इसे, ओके, तो गा गे गी देखकर हमने बचपन से क्या लगाया, विल लगाया, आपको गा गे गी नहीं देखना, अब देखो कंडीशनल सेंटेंस आते हैं उसमें कितना ही गा गा आते रहे हमारा, फिर भी विल नहीं आता, वो इंडेफिनेट टेंस में बनता है, जैसे कि मैंने कहा अगर तुम मेरे घर आओगे ना तो ही मैं तुम्हारे घर आऊँगा, भाई ऐसे नहीं आऊँगा, अभी सोचो आया सर मेरे घर आ जाओ, भाई पहले तुम आओगे फिर मैं आऊँगा, ऐसे हम बोलते हैं, ये सेंटेंस गलत होता है, इसका जो कि हमारा जो पार्ट है अगर अगर के साथ जो इफ़, हम क्या बनाते हैं, इफ़ यू विल कम, इफ यू विल कम देन आई विल, राइट, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो इफ़ यू विल कम गलत होता है, इफ़ के साथ हमारा विल नहीं आएगा, इफ़ आ जाए, वैन आ जाए, एज इफ़ आ जाए, ऐसे बहुत सारी जो हमारी वर्ड्स हैं वो जितने भी आते रहेंगे इनके साथ हमें क्या करना है, विल नहीं लगाना, अगर तुम मेरे घर आओगे गलत है, हमें बोलना होता अगर तुम मेरे घर आते हो ना
तो ही मैं तुम्हारे घर आऊंगा, दूसरे वाला विल में बनना है। इफ यू कम माई होम, बोलो देन आई विल कम टू योर होम। आई बात समझ में, हैव यू गॉट इट? तो पहला पार्ट नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि हो सकता है इफ़ वाला बाद में भी आ जाए, यानी जो कि इसके इफ़ के साथ जो सेंटेंस आ रहा है वो वाला आपको इंडेफिनेट में बनाना होता है, जो कि हम सीधा आई एक्शन यू एक्शन ई एक्शन या सीख चुके हैं। अगर ये मेरे घर आती है ना तो ही मैं इसके घर आऊँगा, इफ़ शी कम्स। अगर ये मेरे घर आएगी, हम गागेगी नहीं देखना हमें, रूल देखना हमें, इफ़ शी कम्स टू माई होम, बोलो तब मैं इसके घर जाऊँगा, देन आई विल गो टू हर होम। क्लियर है? इस तरीके से बनाया जाता है। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो ही पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, समझे ना? अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही पढ़ाऊंगा, इफ़ यू प्रैक्टिस देन आई विल टीच, पढ़ाऊंगा, फ्यूचर है, पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, पढ़ा दिया, आई हैव टॉट, आई हैव कल पढ़ाया था, आई टॉट यस्टरडे, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू। सर आपको पढ़ाना चाहिए, अरे मैं तो पढ़ाता ही हूँ, आई टीच, है ना, वो मैं रूटीन का काम बताऊँ, पढ़ाते ही तो आपको सर पढ़ाना चाहिए, शुड टीच, पढ़ाता ही हूँ मैं तो, आई टीच, क्या बोलेंगे? आप ही नहीं पढ़ते, यू डोंट स्टडी, यू डोंट टीच, नहीं यू डोंट स्टडी, कैसे बोलेंगे? फिर से बोलो, आपको पढ़ना चाहिए नालायको, यू शुड स्टडी, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको भी इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, राइट, यू शुड, ठीक है सर, आज हम प्लेज लेते हैं, आई टेक अ प्लेज, फिर से बोलो, आज से फ्रॉम टूडे मैं इंग्लिश बोलकर प्रैक्टिस करूंगा, हाँ सिंपल है, डर मत करो, बोलकर डर गए, काम करूंगा सिंपल, आई विल स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम टूडे, कैसे बोलेंगे? आई विल स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम टूडे, आई विल स्पीक इंग्लिश कहो, आई विल स्पीक इन इंग्लिश कहो, मतलब वही है, या मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करूंगा, आगे याद करो जल्दी, आई विल प्रैक्टिस इंग्लिश, फिर से बोलो, राइट, विल यू डू? अब क्वेश्चन करेंगे तो विल आगे आ जाएगा हमारा, क्या प्रैक्टिस करोगे? विल यू प्रैक्टिस? फिर से बोलो, प्रैक्टिस कितना जोर लगवा लो, कितना ही लगवा लो, मैं प्रैक्टिस करते हैं, आई विल नॉट प्रैक्टिस, फिर से बोलो, आई विल नॉट प्रैक्टिस, वंस अगेन, कुछ तो मेरे पास पता कैसे आते हैं लोग, सर देखो ऐसे बात है, मुझे इंग्लिश सीखनी ज़बरदस्त वाली, फ्लुएंट वाली, पर बात सर ऐसी है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस कुछ नहीं कर पाऊंगा, मतलब कहना कहीं ऐसी बात है कि सर मेरा आगे लड्डू रखा रहना चाहिए लेकिन मेरी भूख मिट जानी चाहिए, मैं खाऊंगा नहीं, मतलब मेरा मन कर रहा हूँ खाने का और मैं सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए पूरी तरीके से कि मैंने खा लिया पर मैं खाऊंगा नहीं, क्या ये पॉसिबल है? भाई आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बिना एफर्ट्स की कोई चीज़ कैसे मिल सकती है? ऐसे मिल जाती तो फिर मैं खुद ही ना, मैं ही ना सीख लेता ऐसे, मैंने क्यों मेहनत की थी? तो ये चीज़ नहीं होती, तो मैं सर प्रैक्टिस करूँगा, पूछें कैसे करोगे? विल यू प्रैक्टिस वंस अगेन? ये बोले मैं तो करूँगी नहीं सर, आई विल नॉट प्रैक्टिस, नहीं सर करूँगी मैं, आई विल प्रैक्टिस। तो वैन के साथ, इफ के साथ, एज इफ के साथ जो भी ऐसे वर्ड आएंगे, इनके साथ विल नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है ना, इनके साथ हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा विल नहीं आएगा। मैंने कहा कि जब तुम मार्केट जाओगे ना तो मेरे लिए 1 किलो आम लेके आ जाना, जाओगे सर गे आ गया, गा गे 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 गे, विल लगेगा पक्का, नो, वैन यू विल गो गलत है, वैन यू गो टू द मार्केट, क्या बोलेंगे? वैन यू गो टू द मार्केट, वंस अगेन ब्रिंग मैंगोज फॉर मी, ठीक है ना, इसमें किसी में भी गानी आया लेकिन फिर भी ये फ्यूचर की बात है, इंग्लिश में तो किसी में भी विल नहीं आया फिर भी फ्यूचर की बात है, ले आना, क्योंकि ऑर्डर की तरह कह दिया ना, ब्रिंग मैंगोज फॉर मी, ब्रिंग 1 kg मैंगोज, जो भी कुछ कहना चाहो, ठीक है, तो है ये फ्यूचर ही, ये भी, इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ कि गागेगी से मतलब नहीं होता, क्योंकि अभी और सेंटेंस सीखेंगे हम जहाँ पे गागेगी आएगा लेकिन फिर भी क्या नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, राइट। तो मैंने पूछा भाई क्या आप प्रैक्टिस करोगे, तो विल आगे आ जाएगा हमारा, विल यू एक्शन हो जाएगा, विल यू वर्ब, विल यू प्रैक्टिस, वंस अगेन करूंगा तो यस यस, हाँ यस आई विल प्रैक्टिस, ना 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 मैं नहीं करूंगा, नो आई विल नॉट प्रैक्टिस, राइट, यस आई विल प्रैक्टिस, नो आई विल नॉट प्रैक्टिस, हो सकता है ये करे, इससे हो शायद ये करेगा सर, मुझे नहीं पता, हम तो करेंगे नहीं लेकिन वी विल नॉट प्रैक्टिस, शायद ये करेगा, शायद ये करेगा, मे बी शायद ये करेगा, मे बी ही विल प्रैक्टिस, क्या बोलेंगे? एक बार फिर से बना रहे हम, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, नो आई विल नॉट प्रैक्टिस, शायद ये करेगा, मे बी ही विल प्रैक्टिस, राइट,
राइट यस और नो लाउडली यस और नो यस और नो नो पूछो सर व्हाई ये गलत इसलिए हुआ कि जो विल होता है ना वो आपका तब लगता है अधिकतर लोग मैंने गलती करते देखे हैं जिसको अच्छी इंग्लिश आते हैं वो भी ये गलती कर देता है तो हमने कहा ना कि मे बी ही विल प्रैक्टिस जो विल होता है ना आपका वो फ्यूचर में कब लगता है जब हम श्योर होते हैं 100% श्योर मे बी राइट 100% जब श्योर होते हैं तो हम विल लगाते हैं सुनना मेरी बात जैसे कि मैंने कहा ना जब पक्का मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको ठीक है ना आई विल टीच यू पक्का है इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं वो बात अलग है मान लो कुछ कंडीशन ऐसी होगी जिस वजह से नहीं पढ़ा पाया अचानक से सर में दर्द हो गया बीमार हो गया कुछ हो गया बेहोश हो गया वो एक अलग कंडीशन है ठीक है ना आप कल मान लो पिकनिक पे जाओगे सर मैं कल पिकनिक पे जाऊंगा ये पक्का है ना तभी आपने बताया मुझे क्योंकि डिसाइड हो चुका सब कुछ हो चुका है वो बात अलग है मान लो कोई कुछ आपदा आ गई कहीं पर वो कैंसिल हो गई पिकनिक वगैरह तो वैसे श्योर है ना पक्का आपकी तरफ से आई विल गो ऑन पिकनिक आई विल आपने जो दूसरा सेंटेंस क्या बनाया मे बी शायद ही विल प्रैक्टिस ये पक्का प्रैक्टिस करेगा सर शायद ये पक्का प्रैक्टिस करेगा पहले मुझे शायद करेगा या पक्का करेगा अपनी बात को क्या कर रहे हो काट रहे हो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो राइट जो मे बी है वो अपने आप में एक सेंटेंस होता है आपको पता हो तो उसे आप शॉर्ट में बोलते हो मे बी यानी वो कोई एक्शन है उसके साथ ही मे एक्शन ही मे बी को हटाओ ही मे गो गो को हटाओ ही मे प्ले प्ले को हटाओ ही मे डांस ही मे स्टडी ही मे टीच ही मे लर्न वो कोई भी एक्शन आ सकता है लेकिन बचपन में बी बहुत सुना सर हमने ऐसा लगता है कि अब ये मे और बी दोनों बिल्कुल पति पत्नी है ना बिल्कुल उनका ऐसा जोड़ा बिठा दिया कि सर इनको अलग करेंगे नहीं इनको अलग करो इनका डिवोर्स कराओ बीच में और आदमी घुसाओ राइट अब मे के साथ और भी एक्शन आएंगे ये ना कि बी उसको मतलब शादी होगी बी का सर बी के साथ शादी होगी बी ही मे की पत्नी रहेगी उसके अर्धांगिनी हो चुकी नो बी को हटाओ वहाँ पे और भी एक्शन आएंगे राइट ही मे प्ले हो सकता है ही मे डांस हो सकता है ही मे गो हो सकता है और आप लोग क्या करते हो दो सेंटेंस यहाँ पे डाल देते हो या तो सिंपल तरह बोलो विल ही गो मे बी बात खत्म वो एक सेंटेंस हो गया मे बी का मतलब क्या है ही मे बी हो सकता है हो जाए ही मे बी बस बी मतलब होता है होना तो आप इतना कह रहे हो बस हो सकता है ही मे बी ही शॉर्ट में बोलने के लिए हम ही हटा देते हैं बोलते थे मे बी शायद लेकिन हो सकता है गॉट इट लेकिन आपने दो सेंटेंस बनाए हो सकता है पहले वाला सेंटेंस क्या कह रहा है कि हो सकता है वो जाएगा या नहीं जाएगा जो भी है और दूसरे में कह रहे हो ही विल गो पक्का एक में शायद कह दिया एक में पक्का तो आपको एक सेंटेंस बनाना है मे बी ही विल गो नहीं बनाना आपको बोलना है ही मे एक्शन ही मे गो ही मे फिर से बोलो मे भी फ्यूचर के लिए यूज़ हो रहा है अब यहाँ पे और गागे गी के लिए यूज़ होता है गागे गी में यहाँ पर दो कंडीशन समझ में आई एक तो आएगा विल एक आएगा मे आएगा जब आप श्योर नहीं हो शायद हो जाएगा हो सकता है वो जाएगा हो सकता है वो चला जाए वो भी जा सकता है हम कुछ भी कहें हिंदी की फॉर्मेशन अलग अलग हो सकती हैं हिंदी की फॉर्मेशंस अलग अलग हो सकती हैं हमें ध्यान रखना शायद की बात ना श्योर नहीं हम शायद वो जाएगा हो सकता है वो जाए शायद वो जाए वो जा सकता है सबका मतलब क्या हो गया मे और कुछ को सकता देख के कैन घुसेड़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे भाई कैन सकता आ रहा है सर कैन घुसा तो नहीं कैन एबिलिटी के लिए था ताकत के लिए पावर के लिए मैं जा सकता हूँ देखना कोई रोक के दिखाओ मुझे आई कैन स्पाइडरमैन हूँ बस मेरी बिठाएंगे मुड़ के आ जाऊँगा तो अपनी एबिलिटी बता रहा आई कैन गो वहाँ पे कैन की बात ही नहीं पहली बात तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात है शायद ऐसा हो सकता है हम श्योर नहीं हमें क्या पता इसके मन के बारे में तो अब मैं जब भी आपसे पूछूंगा क्या आप ये काम करोगे तो विल यू एक्शन फिर से बोलो अपना श्योर है अपना sure. सर मैं या तो करूंगा उस काम को आई विल एक्शन या फिर नहीं करूंगा तो नो आई विल नॉट एक्शन और इसके लिए श्योर तो नहीं हो सकते ना आप भाई वो उससे पूछ लो सर वो शायद हो जाएगा नहीं जाएगा मैं नहीं पता ही मे एक्शन ही मे दूसरे के लिए श्योर नहीं देंगे शायद हो जाएगा और हमेशा गाय नहीं आएगा ये भी बता दिया मैंने सकता भी आएगा कहीं पर कहीं पर गाएगा शायद वो चला जाए ये भी आ गया है ना तो मैंने पूछा चाहे लोगे विल यू टेक अ टी कैसे बोलेंगे कैसे बोलो नहीं मैं नहीं लूँगा सर आई विल नॉट टेक क्लियर है ना आपका कि मैं नहीं लूँगा आई विल नॉट टेक इससे पूछ लो इसका मुँह लग रहा है इसका कि मतलब जीव निकाल रहा बार बार शायद ये लेगा श्योर नहीं है शायद ये चाहे को देख के जीव निकाली इसने तो आपको लगा शायद ये लेगा ही मे राइट वैसे हम ए लगा देंगे साथ है ना टेक अ टी ऐसे बोलते हैं ही मे टेक फिर से बोलो फिर से बोलो तो ही मे टेक टी हो गया यानी ये चाय हो सकता है ले ले या ना भी ले हमें नहीं पता फिर मैं इससे पूछूंगा भाई चाय लेगा विल यू अब ये श्योरिटी के साथ बताएगा लेगा तो आई विल नहीं तो आई विल नॉट अपने लिए मैं नहीं लगाएगा शायद मैं लूँगा या फिर मैं नहीं लूँगा
थोड़ा बहुत आपको वैसे अपने आप पे कभी डाउट हो जाता है कि करना करूँ या ना करूँ काम, शायद मैं करूँगा नहीं करूँगा, श्योर नहीं हूँ, वो किसी कारण वश बता सकते हो, लेकिन चाय सामने फिर तो आप पक्का ही होता है आपका। अब आई बात समझ में, मिक्स मत करना दो सेंटेंसेस में, बी एक अपने आप में एक सेंटेंस होता है, ऐसे उसके साथ दूसरे एक्शन लगाओ, शायद वो चलेगा, ही मे टेक टी। ये मेरे साथ हुआ था एक बार, दूसरे के लिए श्योरिटी नहीं दिखानी, दूसरे के लिए श्योरिटी नहीं दिखानी, क्यों नहीं दिखानी? देयर वाज अ टाइम व्हेन आई नेवर यूज्ड टू टेक टी, और उस दिन मेरा मन था, दैट डे आई फेल्ट दैट आई विल टेक टी, आई फेल्ट लाइक टेकिंग टी दैट डे, और बहुत ही ज़्यादा मन था, एंड आई वेंट विद माई फादर समवेयर, पापा के साथ गया कहीं पर, और वहाँ पर जाने के बाद मैं वेट करा कि कौन आए और चाय के लिए पूछे, राइट? इतने में एक आदमी निकल कर आया किचन से और बोला कि भाई साहब चाय लोगे, विल यू? पापा ने कहा यस वी विल टेक टी। अब कह दिया चाय, ठीक है भाई चाय मिलेगी, अब हम खुश, चाय मिलेगी, चाय मिलेगी, जैसे उसमें खुश होगा, दूध मिलेगा, मिल्खा सिंह दूध मिलेगा, भागा, दूध से मोटिवेशन आ रहा था, मुझे चाय से आ रहा था। ऐसे 5-10 मिनट के बाद वो एक ट्रे में 2 कप लेकर आया, वो हमारी तरफ आ रहा, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट चाय आ रही है, तो चाय पीनी है। उसने आके पूछा भाई सब चाय लोगे मेरे पापा से, विल यू टेक टी? यस आई विल टेक टी, बट ही विल नॉट टेक टी। मेरा हाथ ऐसे उठा था, माय फादर सेड ही विल नॉट टेक टी, ही विल, और वो हाथ था मैं लूंगा ऐसा तो कह नहीं सकता था ना, मैं लूंगा, चुपचाप मैं जेब में वापस डाला ऐसे। तो दूसरे के लिए श्योरिटी शायद वो ले रही बेचारा, उसका भी पूछ लो उससे। उस दिन मैंने पापा से जो लड़ाई करी ना, उस दिन मैं 70 रुपये की चाय पी गया, यमुना एक्सप्रेस में ना 70 रुपये की चाय मिलती है, पापा बोली इतनी महंगी, मैं महंगी हो चाहे कुछ हो मैं चाय पीऊँगा आज, आई विल टेक टी, श्योर था मैं पीऊँगा चाय, 70 की क्या वो 70,000 की आए, आई विल टेक टी, कैसे बोलेंगे? हाँ तो मुझे चाय पीनी है, आई विल टेक टी, राइट? तो चाय पीऊँगा, आई विल टेक टी, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन आई विल टेक टी, हैव यू गॉट इट? यस आई हैव, नहीं समझा तो आई हैव नॉट गॉट इट, फिर से बोलो, ओके समझ गया मैं तो, ये समझ गया, ही हैज गॉट इट, ये समझ रही है अभी, दिमाग चल रहा है अभी, शी इज गेटिंग प्रोसेसिंग स्लो सर, है ना, शी इज गेटिंग, फिर से बोलो, वो भी प्रोसेसिंग कर रही है, शी इज प्रोसेसिंग कर ली, शी हैज प्रोसेस्ड, ये समझ गई, शी हैज समझ गई, गॉट, शी हैज गॉट, फिर से बोलो, ओके। तो हम पूछेंगे भाई चाहे लोगे भाई साहब, विल यू? अब लोगे या नहीं लोगे अपना देख लो, शोर आपका, है ना, हाँ लूंगा जी, यस आई विल टेक टी। हो सकता है ये भी बेचारी ले ले, इससे भी पूछ लो, शी मे टेक टी, राइट? शी मे टेक, उसके लिए हम मे लगाएंगे, तो फ्यूचर है फिर भी मे लगता है। हमारी एक वीडियो भी आई थी, आपने देखा हो तो, शॉर्ट वीडियो बना रखी हमने, उसने कहा भाई यहाँ मैं चल तो गिर जाएगा, साइड में क्या था वो नदी थी, और नदी के उसमें उधर ऊंचे एरिया पे हम चल रहे थे, पत्थरों के ऊपर गिर सकते थे नदी के अंदर, तो उसने कहा कि यू विल फॉल, गिर जाएगा तू, यहाँ पे विल गलत हो गया, हमने ट्रांसलेशन किया तू गिर जाएगा, गा आ गया, विल लगा दिया, यू विल फॉल गलत क्यों हो जाता है? स्पोकन में तो फिर भी चला लेते हैं इसे हम, यू विल फॉल गलत इसलिए हो गया क्योंकि जो शोर है क्या वो मैं गिरूंगा ही, तू गिरेगा, वही गिरेगा तू, मान लो मान, गिर जाएगा का मतलब यहाँ पर क्या है, राधा कहाँ खो गई, नाम राधा कहाँ माधा, उसने क्या कहा बाकी भाई यहाँ मत चल, डोंट वॉक हियर, यू विल फॉल, यू विल फॉल, बहुत सारे लोग बोलते गिर जाएगा, लेकिन वहाँ पर चांसेस थे गिरूँ भी या फिर ना भी गिरूँ, श्योर नहीं था, पक्का नहीं था कि मैं गिरूंगा ही, यू मे फॉल, क्या आएगा फिर से बोलो, लेकिन बोला जाएगा हिंदी में क्या भाई तो गिर जाएगा, राइट? बट स्पोकन में चल जाता है वो वाला उस कंडीशन में, बट आपको मे लगाना है, ओके? तो कैसे पूछेंगे, कल हम पिकनिक पे जा रहे हैं, ठीक है ना, वी विल गो, हम जाएंगे, अगर क्लास में होता था मैम आती थी, मैम आती हेलो स्टूडेंट्स टुमारो वी आर गोइंग ऑन पिकनिक, कौन कौन चलेगा, हु विल गो, हु विल, पहले दिन सबके हाथों में मैम आई विल गो हाथ उठाओ हाथ उठाओ, आई विल गो आई विल गो आई विल गो, ठीक है मैम बहुत नाम लिख देती, मेरा घर से ना परमिशन लेटर जो देते थे उस पर लिखवा के साइन करवा के लेके आने हैं। अब घर गए, घर पर जाके पूछा मम्मी आई विल गो ऑन पिकनिक, विल यू परमिट मी, विल यू परमिट मी, मैं तो करूँगी नहीं, आई विल नॉट, अपने पापा से पूछ ले शायद वो कर दे, योर फादर शोर होता था विल नॉट परमिट, वो नहीं करेंगे, मम्मी क्या कहती थी मैं तो कर भी दूँ पर तेरे पापा नहीं मानेंगे, है ना, योर फादर विल नॉट परमिट, श्योर है उसमें तो, है चलो भाई चांसेस है भाई शायद पापा मान जाए, जिनका रिजल्ट अच्छा आया था पिछले बार एग्जाम्स में उनके पापा मान सकते हैं, योर फादर मे परमिट यू, कैसे बोलेंगे? वंस अगेन योर फादर मे परमिट यू। अब नेक्स्ट डे ना जो संख्या इतनों की थी मैं आई विल गो अगले दिन सारे ऐसे बैठे होते मैम फिर आते बेटा जो जो बच्चे जाएंगे अपने नाम लिखवाओ, क्या पिकनिक पे जाओगे, विल यू
आपस में फ्रेंड्स से बात कर रहे थे, ओए चिंटू विल यू गो ऑन पिकनिक, और मैं तो जाऊंगा नहीं, आई विल नॉट गो, है ना। मम्मी ने परमिशन नहीं दी, माय मदर डिडंट परमिट मी, परमिट एक्शन होगा इसमें, ठीक है ना, या फिर गिव परमिशन कह सकते हो। फिर से बोलो, माय मदर डिडंट परमिट मी, पापा ने नहीं परमिशन दी, माय फादर डिडंट परमिट मी, अलाउ मी, है ना, आई गिव परमिशन टू गो, कुछ भी कह सकते हो। माय फादर ने, जो मेरे पापा ने अलाउ नहीं किया, माय फादर डिडंट, डिडंट क्यों आ रहा है, तो पास्ट की बात है इसमें, कोई वो विल की बात नहीं है, नहीं किया था, पास्ट की बात है। माय फादर डिडंट अलाउ मी, है ना। पूछते थे भाई जाएगा पिकनिक पे, तो आपस में फ्रेंड पूछ रहे हैं दूसरे से, विल यू गोइंग। कुछ लोग ना पिकनिक के लिए गो टू पिकनिक बोल देते हैं, एक तो गो टू पिकनिक वो भी गलत है, गो फॉर पिकनिक बोल देते हैं, फोर चल जाएगा हमारा, ना तो गो टू, टू क्यों नहीं हो सकता बताओ, पूछो, मतलब पूछो नहीं बताओ, मैं पूछ रहा हूँ व्हाई, टुडे माय क्वेश्चन व्हाई, माय क्वेश्चन इज व्हाई, बताओ कोई बता सकता है। पिकनिक इज नॉट एनी प्लेस, किसी प्लेस पर जाना इज कॉल्ड टू। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई गो टू मॉर्निंग वॉक नहीं होता, क्योंकि मॉर्निंग वॉक कोई प्लेस नहीं है, मॉर्निंग वॉक क्या है, एक एक्टिविटी है, अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो दैट इज एन एक्टिविटी, राइट। आप छत पे टहल लो वो भी तो मॉर्निंग वॉक है, गली में, खेत में, पार्क में, कहीं जाओ। प्लेस जब मैंशन करते हो, आई गो टू पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक, प्लेस के लिए टू आता है। आई गो टू आगरा, आगरा आपको पता कहाँ है, प्लेस बन गया। आई गो टू बस स्टैंड, मैं बस स्टैंड पर जाता हूँ, गया था, आई वेंट टू बस स्टैंड, जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बस स्टैंड, है ना, जाऊँगा, आई विल गो, आई विल टू बस स्टैंड। पिकनिक तो कहीं भी हो सकती है, राइट। सो पिकनिक के लिए वैसे ऑन होता है, गो ऑन पिकनिक, गो ऑन पिकनिक, तो मैं पिकनिक पर जाऊँगा, आई विल गो ऑन पिकनिक। पूछें कैसे, क्या आप जाओगे, विल यू गो ऑन, हाँ सर मैं तो जाऊँगा, ना यार मैं नहीं जाऊँगा, नो नो आई विल नॉट गो ऑन पिकनिक। इससे पूछ रही शायद ही जाएगी, शी मे गो ऑन पिकनिक, फिर से बोलो, शी मे गो ऑन, है ना। अब उससे कंफर्म करेंगे, विल यू गो, अब ये कंफर्म बताएंगे, हाँ मैं जाऊँगी, आई विल गो, मैं नहीं जाऊँगी तो आई विल, आई विल नॉट गो। अब यहाँ पे वही चीज़ विल वगैरह आ गया, डब्ल्यू एच फैमिली लगानी जरूरी है, क्वेश्चन आगे बढ़ने चाहिए। मैम ने पूछा विल यू गो ऑन पिकनिक, पहला क्वेश्चन होता कहाँ लेके जाओगे, हर बार हमारे स्कूल वाले ऐसे होते थे, जब से वो खुद पैदा हुए हैं ना तब से ही वो वहीं लेके जाते हैं जहाँ पे हमेशा जाते हैं, है ना, वो फिक्स प्लेस होते हैं, अक्षरधाम ले जाके बिठा देते हैं हर बार, हर बार अक्षरधाम चलो भाई, है ना, हर कुछ अलग अलग नहीं करते वो, ठीक है, हमने जाने पहचाने रास्ते सब कुछ है। तो हम पूछेंगे भाई क्या पिकनिक पर जाओगे, विल यू, बच्चों का पहला क्वेश्चन होता सर कहाँ जाएंगे पहले बताओ, वेयर विल वी गो ऑन पिकनिक, कहाँ जाएंगे हम, है ना, वेयर विल वी गो ऑन पिकनिक। फिर बताएंगे हम जाएंगे चिड़ियाघर, विल गो टू जू, फिर बोलो मैं नहीं जाऊँगा, पिछली बार हो गया था, लास्ट टाइम आई वेंट टू जू, हम या हम गए थे तो लास्ट टाइम वी वेंट टू जू, उससे पिछले बार भी जू गए थे, बिफोर दैट ऑल्सो वी वेंट टू, उससे भी पहले, बिफोर दैट ऑल्सो, एवरी टाइम वही जाते हैं हम, रेगुलर का काम बन गया उनका, हर बार हम कहाँ जाते हैं, जू में ही जाते हैं, तो कैसे बोलेंगे, एवरी टाइम वी गो, वी एक्शन, रेगुलर की बात आ गई, वी वेंट तो गए थे, हो गया, हम जाते हैं, जैसे आई गो, यू गो, ही गोस, वी गो, दे गो, तो हम हर बार कहाँ जाते हैं, भाई जू ही जाते हैं, एवरी टाइम वी गो टू जू, हम नहीं जाएंगे इस बार, वी विल नॉट गो, फिर से बोलो, वी विल नॉट गो टू जू, हो सकता है ये जाए, शी मे, आ मत जाना, डोंट गो देयर, सलाह की तरह कहेंगे तो यू बांध लेंगे वहीं पे, कई पिंजरे खाली पड़े हैं, है ना, वो कहेंगे वो ये तो भाग गई, दो दिन पिछली बार ये बंदरिया भाग गई थी, इसको पकड़ के डालो पिंजरे में, हाँ नहीं अलग अलग प्रजाति के मिलते हैं तो पकड़ के रख लेते हैं, ठीक है सर मैं नहीं जाऊँगी, आई नॉट गो, हो सकता है ये चला जाए, इसको नहीं बांधेंगे, है ना, टाई 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 टाई, हाँ इसको नहीं बांधेंगे ना, पता क्यों नहीं बांधेंगे, भालू उनके पास बहुत है, भालू के पिंजरे भरे पड़े, दे विल नॉट टाई है देयर, समझ में आ रहा है विल आपको, हाँ तो जाओगे क्या पिकनिक पर, विल यू गो ऑन पिकनिक, भाई मैं नहीं जाऊँगा, आई एम नॉट गो ऑन पिकनिक, हो सकता है ये जाए, ही मे गो ऑन पिकनिक। अब इसमें एक आधे बच्चे इतने परसिवियरेंस के साथ मेहनत करते थे, जिस दिन पता लगता नहीं पिकनिक पे जाएंगे उस दिन मनाने लगते हैं अपने पेरेंट्स को, और फाइनल डे पे मना ही लेते हैं वो, और वो बस जब चल रही होती है पीछे भागता हुआ आता है, रोको 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 सर मेरे पैसे, फोटो वोटो पकड़ो जल्दी, मैं भी जाऊँगा, आई विल गो, वो लगातार लगा रहता है बेचारा लास्ट तक, लेकिन 7 बजे जो सुबह बस निकल रही होती है ना उस समय तक पहुँच जाता है, ऐसा होता है ना, ऐसे भी आते हैं एक दो, फाइनल डे वाले दिन मतलब मना ही लेते फाइनली, ऐसा मैं भी होता था कई बार,
हालांकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे अलाउ किया हमेशा जाने के लिए, बट कभी कभी जो मेरे पापा ना थोड़े वो गुस्सा हो जाते थे और पता चलता मेरे पापा को हर बार वहीं लेके जाएंगे, हर बार वहीं लेके, फिर मेरे पापा मना कर देते थे अब नहीं जाना, बट फिर भी मैं जाता था फाइनल टाइम पे राइट। हाँ तो आइसक्रीम खाओगे? विल यू टेक आइसक्रीम? नहीं मैं नहीं खाऊंगा सर। शोर उसका देखो तुरंत जी बाहर आ गई थी कर यस। तो इसका इसके मुंह में क्या हो रहा है? पानी आ रहा है। कैसे बोलेंगे इसके मुंह में पानी आ रहा है? वॉटर ही एक्शन है। हाँ उसका माउथ वॉटरिंग कर रहा है, बोलो हर माउथ इज वॉटरिंग। फिर से बोलो देखना बाहर ना आ जाए कभी। हर माउथ इज वॉटरिंग। फिर से बोलो। तो ये तो पक्का आइसक्रीम खाएगी। शी विल टेक आइसक्रीम। फिर से बोलो शी विल टेक आइसक्रीम। है ना, हो सकता है ये भी खाए बेचारे, इनसे भी पूछ लो, इनसे नहीं लो, हो सकता है ही मे टेक आइसक्रीम। फिर से बोलो विल यू टेक आइसक्रीम? विल यू टेक आइसक्रीम? विल यू टेक आइसक्रीम? पूछना क्या होता है, तो पहले ही आँख भी इतनी बड़ी बड़ी होगी। यस हो सकता है वो भी खाए। ही मे टेक आइसक्रीम और मना करेंगे तो हम मेन के साथ नोट लगा देंगे, शायद वो ना खाए। ही मे नोट टेक आइसक्रीम। फिर से बोलो He may not take ice cream. फिर से बोलो शायद वो नहीं जाएगी। She may not go. फिर से बोलो वो पक्का नहीं जाएगी। मैं भी पक्का नहीं जाऊँगा, हो सकता है ये चला जाए। He may go. शायद He may. फिर से बोलो वो पक्का नहीं जाएगा। He will not go. समझ में आ रहा है? ऐसे ही हम WH फैमिली लगा देंगे भाई। जाएंगे कहाँ जाएंगे सर? Where will we go? फिर से बोलो हम जाएंगे एडवेंचर आइलैंड। सिद्धार्थ वाले लेके जाते हैं एडवेंचर आइलैंड को, नहीं छोड़ रहे हैं लोग, हर बार एडवेंचर आइलैंड लेके जाते हैं। तो सर मैं तो मतलब कहाँ जाएंगे? वेयर विल यू गो? एडवेंचर आइलैंड जाएंगे। कैसे बोलेंगे? वी विल गो टू एडवेंचर आइलैंड। मैं नहीं जाऊँगा। कितने बजे जाएंगे सर? व्हाट टाइम विल वी गो? फिर से बोलो सभी बच्चे रेडी रहना, सुबह 7 बजे बस निकल जाएगी। 7 बजे जाएंगे यहाँ से हम। वी विल गो एट 7 या फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। We will start from here at 7. निकलना कहीं से स्टार्ट फ्रॉम होता है। फिर से बोलो हम यहाँ से 7 बजे निकलेंगे। We will start from here at 7 o'clock. Got it? कितना समय लगेगा सर वहाँ पहुँचने में? How long? क्या बोला आपने? How long? Does का मतलब क्या हो गया? कितना समय लगता है? हम नहीं पूछे लगता है या नहीं लगता है, हमें कितना लगेगा? हाँ सही, डर डर क्यों रहे? बोलो गलत ही तो होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा बस, उसके बाद मैं सही कर दूंगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? फिर से बोलो। और सही बोल रहा था बिल्कुल, फिर भी डर रहा था। ये कॉन्फिडेंस लेके आओ कि बोलना है तो बोलना है, बस बोलना है आपको, बोलने से ध्यान रखना है। गलत सही से मतलब नहीं है आपका, गलत सही कुछ होता ही नहीं इंग्लिश में। आपको कुछ दिन बाद बताने वाला हूँ मैं, उस दिन आपकी टेंशन रिलीज कर दूंगा मैं, राइट? उस दिन आपको पता चलेगा अच्छा जिस चीज़ की वजह से हम टेंशन में थे ना, वो तो टेंशन लेने की थी ही नहीं। तो हमने क्या बोला? कितना समय लगेगा? अगर हमने पूछा होता कि आपको कितना समय लगेगा तो हम पूछते हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। हम ये नहीं पूछ रहे कि आपको कितना लगेगा या हमें कितना लगेगा, हाउ लॉन्ग विल वी टेक, हम ये नहीं पूछ रहे। हम तो नॉर्मली पूछ रहे कितना समय लगेगा सर, हाउ लॉन्ग विल इट लगता है फिर, है ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच देयर। हम इट वाले में भी यू लगा सकते हैं मन करे तो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू रीच देयर, ऐसे करके बोल सकते हैं। कितना समय लगेगा यहाँ तक बन गया आपको, फिर हमने यू को बाद में ऐड कर दिया। कितना समय लगता है शिमला जाने में? तो डज लगता है, है ना, कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच शिमला। फिर से बोलो आपको कितना लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, इतना आपको आता बनाना, आपको कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच शिमला। और नॉर्मली पूछा तो कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, इतना क्लियर है। डज इट वाले में भी हम यू लगा सकते हैं, उसका मतलब भी हाउ लॉन्ग डू यू टेक हो जाएगा, आपको कितना समय लगता है, यही सेंटेंस बन जाएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रीच, फिर से बोलो यानी कितना समय लगता है आपको टू रीच, मतलब वही बन जाता है इसका। गॉट इट? सर कितना समय लगेगा पिकनिक पर जाने में, वहाँ पर पहुँचने में एडवेंचर आइलैंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच एडवेंचर आइलैंड, क्लियर है। और जैसे अगर मैंने प्रोसेस पूछा किस तरीके से जाएंगे सर, कैसे जाएंगे, बस में जाएंगे, मेटाडोर में जाएंगे, मिनी बस में जाएंगे, या ट्रक में जाएंगे, ट्रॉली में जाएंगे, टेम्पो में जाएंगे, कैसे जाएंगे सर, कैसे जाएंगे, हाउ हाउ विल वी गो। फिर से बोलो हाउ विल वी गो, वंस अगेन, वंस अगेन, अरे ये पाल को ये पूछने की बात है, बस में जाएंगे,
विल गो ऑन बस. इन बस नहीं होता, बस के लिए ऑन आता है. ट्रांसलेशन नहीं, बाय बस तो ठीक है, बाय तो सबके साथ लगाओ, बाय ट्रेन, बाय बाइक, बाय बाय काम. तो एक आपने जरिया बता दिया, इस चीज़ के जरिए मैं गया या जाऊँगा या गया था जा रहा हूँ, जो कुछ भी सेंटेंस है. ओके, लेकिन हम कहते हैं ना बस में जाएंगे, तो इस में को देख के हमारा इन लगाने का मन करता है. ध्यान रखना जब पब्लिक कन्वेंस है और बड़े हैं, पब्लिक कन्वेंस है और तो हमें ऑन लगाना है. ऑन ट्रेन होता है, ऑन मेट्रो होता है. मेट्रो में कभी सुनना जो बोलते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, बोलते रहते हैं कि दरवाजे बाएं तरफ खुलेंगे, कृपया यात्रीगण ध्यान दें, ऐसा करके बोलते हैं. हाँ, द डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट, प्लीज माइंड द गैप. तो जब भी मेट्रो में की बात आएगी ना, ऑन मेट्रो बोलेंगे. ध्यान से सुनना कभी, है ना. तो इन मेट्रो नहीं बोलेंगे वो. तो प्लेन के लिए भी ऑन आएगा, टैक्सी के लिए आएगा, टैक्सी के लिए इन आएगा. क्यों आएगा बताओ, इन पूछो ना. टैक्सी पब्लिक कन्वेंस तो है बट छोटा है, छोटी टैक्सी होती, इतनी बड़ी नहीं होती, है ना. तो इसीलिए उसके लिए हम इन लगाते हैं. दूसरा रूल ये इसलिए कहा जाता है इन चीज़ों के लिए कि जब ये बने थे ना कभी, ये बड़ी ऊंची होती थी, इन पर चढ़ चढ़ के. आजकल तो आ रही है लो फ्लो बसेज, लो फ्लो ट्रेन वगैरह सब कुछ. पहले तो ऊपर चढ़ते थे आप, और आपने डबल डबल भी देखी होंगी. दूसरा एक तो रीज़न ये माना जाता है, क्योंकि तब से बना के हम उसके ऊपर चढ़ जाते थे. नीचे वाला नीचे हो गया, हम कहते हैं आई एम ऑन द बस, ऊपर से बोलते थे आई एम ऑन द, तो ऊपर हो गए एक. तो दूसरा लॉजिक ये भी कहता है इसके पीछे कि किसी सरफेस के ऊपर होना ऑन होता है. तो बस एक बड़ी चीज़ हो गई, आप उस सरफेस के ऊपर हो. मैं ग्राउंड में हूँ, ग्राउंड एक सरफेस है, आई एम ऑन द ग्राउंड होता है, आई एम ऑन द, क्योंकि बड़ी चीज़ के सरफेस के ऊपर हो. जैसे कि योर फोन इज ऑन द टेबल, है ना, आपका टेबल पर ग्लास भी रखा है, द ग्लास इज ऑन द टेबल. आर यू समझ में, तो ऑन है, सरफेस हो गया, इसीलिए ऑन लगा देते हैं. ग्राउंड वाले के लिए इन भी चल जाता है, आई एम इन द ग्राउंड, क्योंकि माना जाता है कवरिंग एरिया में भी हो गया, और ऑन भी, दोनों चलते हैं उसमें. एक बाउंड्री के आप अंदर हो जाते हो कवर्ड सरफेस के अंदर. जब कवर्ड की बात हो जाती है, क्योंकि जो ग्राउंड वगैरह बनते हैं तो कवर्ड होते हैं, खुले भी होते ग्राउंड, आपने ऐसे भी देखे होंगे. तो ऑन भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, दोनों आ जाते हैं. टेक्नोलॉजी काम करती है इस वाले केस में, ऑन सरफेस पे होने को बताते हैं. इसलिए बस वाली कंडीशन में माना जाता है कि हम एक ऊपर चढ़ गए वैसे भी, और फिर भी हमें किसी एक सरफेस के ऊपर है. ओके, तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं इनके लिए, ऑन लगाते हैं, रूल बना हुआ पहले से ही. तो आई एम ऑन द बस क्या बोलेंगे, वंस अगेन, मैं बस में हूँ तो आई एम ऑन द बस होगा. तो ऐसे ही कैसे जाएंगे सर, हाउ विल वी गो ऑन पिकनिक, बस में जाएंगे. वी विल, आई विल नहीं, वी विल, आई तो क्या कि तुम सारे आ जाना, मैं बस में जाऊँगा. आई विल गो में तो अलग सेंस हो गई. वी विल गो ऑन बस, वी विल गो ऑन बस, हैव यू गॉट इट. तो समझ में आया ना कि हमेशा गागेगी, हमारा फ्यूचर ही नहीं होता, रहा रहे रही हमेशा कंटिन्यूस नहीं होता, ताते थी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता, चुका चुके चुकी में ही हैज़ नहीं आता, सकता सकते सकती में ही कैन नहीं आता, मे भी आ सकता है, वाइट भी आ सकता है, चाहिए चुहिए चुहिए का मतलब शूट वूट नहीं होता. ये सभी कॉन्सेप्ट जो हिंदी वाले हैं इनको बिल्कुल दूर फेंक देना, कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे तरीके से समझना. हाँ, तो क्या अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखोगे, कैसे पूछेंगे, विल यू Keep your phone on silent mode. मैं नहीं रखूँगी सर, I will not keep my phone on silent mode. यहाँ शायद ये रखेगा अपना, He may keep his phone on silent mode. Right? तो सर क्या मेरा फ़ोन तोड़ दोगे, will you? हाँ तोड़ देंगे, ये श्योर, I will break. शायद ये भी तोड़ दे, उसको भी गुस्सा आ रहा था. He may break your phone. He also may break your phone. Right? तो भाई मेरे पैसे कब लौटाएगी तू, हैं? 5 लाख रुपए लेने आई थी, उसने बोली सर दे दो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो. लेकिन इंसान, अब देखो मैंने चीज़ देखी है, इंसान आज के ज़माने में पैसा देकर ना बेकार बन जाता है. yes, sir. मदद करके बेकार बन जाते हैं लोग. yes, sir. Right. पहले आएंगे भाई दे दे, बहुत ज़रूरत है ये है, मैं इतने दिन बैठा बिना कह दे जाऊँगा. पहले वो आता है, फिर हम जाते हैं. जाते ही रहते हैं, अरे भाई दे दे भाई दे दे भाई, फिर वो छिपने लग जाता है इंसान. दिस इज़ द, मतलब आज का जो वर्ल्ड है ऐसा हो चुका है. 10 साल पहले ले गई थी, 10 तो ज़्यादा हो गए हैं, 2 साल पहले ले गई थी, पैसे लेकर चली गई 2 साल पहले. बोली सर भी दे दूँ 1-2 महीने. मैंने कहा 1-2 महीने छोड़, जब मुझे ज़रूरत पड़े तो दे दी, मैं मांगू जो. मैंने इसको 4-5 महीने से मांगे कि मेरे पैसे दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, रोज कल दूँगी कल दूँगी कल दूँगी कल दूँगी कल दूँगी. पैसे कब लौटाएगी, कैसे पूछेंगे, व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी, फिर से बोलो, वंस अगेन. हाँ वेरी गुड, ये क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है. हाँ मैंने उस कंडीशन में कहा था आपको, वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ी ना था, वहाँ पे कंडीशन थी. मैंने पहले ही बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं उन्हें, उसमें कंडीशन थी ना कि क्वेश्चन था. और क्वेश्चन में तो आता ही, वो तो बचपन से लगाते आ रहे हो, कब जाओगे,
वहां पे इसका मीनिंग कब नहीं था, इस वैन का मतलब वहां पर कब नहीं था, वहां पे इस वैन का मतलब जब था। यहां पर तो क्या क्वेश्चन है कि कब आओगे भाई, कब दोगे, कब ये काम करोगे, व्हेन विल यू डू दिस, व्हेन विल यू, मैंने कहा था कि जब तुम ये करोगे ना तब मैं ये करूंगा, उसमें जब का काम कर रहा था मैं, ठीक है ना, जब तुम मेरे घर आओगे तभी तो तुम्हारे घर आऊंगा, व्हेन यू विल कम टू माय होम देन आई विल कम, तो गलत हो गया ना, व्हेन यू कम टू माय होम देन आई विल कम, इस वाली कंडीशन में था। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें बोलना पड़ेगा कब लौटाएगी पैसे, व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी, फिर से बोलो, तो बोलेगी सर आई विल, मना नहीं करती है, आई विल रिटर्न योर मनी, क्या 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 कहती है कि भाई मैं रिटर्न करूंगी, आई विल रिटर्न योर मनी, फिर मैं पूछता हूँ कब लौटाएगी, व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी, तो जवाब होता है व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई, फिर से बोलो, तो सर मैं रिटर्न करूंगी, आई विल रिटर्न योर मनी व्हेन पिग्स फ्लाई, फिर से बोलो। अब देखो यहाँ पर भी वैन के साथ जब पिग क्या होता है, सुअर, वैसे इसका ट्रांसलेशन मत करना, मैं ट्रांसलेशन इसलिए करा रहा हूँ आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं, व्हेन पिग्स फ्लाई इसका पूरे का मीनिंग होता है यानी कभी नहीं, क्या होता है कभी नहीं, जब सुअर पिग्स होते हैं सुअर, व्हेन पिग्स फ्लाई जब सुअर उड़ेंगे, फ्यूचर है ना, इसमें भी लाया लेकिन व्हेन पिग्स फ्लाई इसमें भी लाया नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कब नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, इसने आंसर दिया है कि जब करेंगे ना वो काम तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, व्हेन पिग्स फ्लाई, तो प्रेजेंट में बनाना पड़ा इसको भी, प्रेजेंट इंडेफिनेट में, राइट, तो मैंने क्वेश्चन किया तो व्हेन लगाऊंगा मैं, भाई कब पैसे लौटाओगे मेरा, व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी, वंस अगेन लौटाऊंगी जब सुअर उड़ेंगे, व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई, अगर मैं क्वेश्चन करूंगा ये सुअर कब उड़ेंगे, अब भी लग जाएगा, When will pig fly? फिर से बोलो, When will pig fly? कब उड़ेंगे भाई? तो ये क्वेश्चन है मेरा, अब अगर इसने कब पूछा है क्वेश्चन बन गया तो हमें when लगा देना है, और जब की सेंस में बता रहे हैं तो हमें when लगाना है लेकिन will नहीं लगाना साथ में, तो फिर से पूछ लेते एक बार, मैं मेरे पैसे कब लौटाओगे, When will you return my money? लौटाऊंगी सर जब When pigs fly, when pigs fly का मतलब क्या है? I will never return your money. I will चाहे कुछ भी हो जाए, come what may. फिर से बोलो। कहने का थोड़ा डिफरेंस हो गया। ये तो कहती है मैं लौटाऊंगी, I will return. वो कहती है मैं नहीं लौटाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। I will not return your money. Come what may. फिर से बोलो। I will not return your money. अच्छा मुझे पता पैसे तो शायद लौटा भी दो आप लोग, लेकिन मैं पूछूंगा ना अगर क्या प्रैक्टिस करोगे, विल यू प्रैक्टिस, करेंगे सर, प्रैक्टिस नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, वी विल नॉट प्रैक्टिस कम व्हाट मे, जैसे बोलो कितना ही जोर लगा लो सर, इंग्लिश नहीं सीखेंगे, वी विल नॉट लर्न इंग्लिश कम व्हाट मे, है ना। अच्छा कब करोगे प्रैक्टिस आप लोग, व्हेन विल यू प्रैक्टिस, जब पिग फ्लाई करेंगे, वी विल प्रैक्टिस व्हेन पिग्स फ्लाई, इट मींस we will never practice, कैसे बोलेंगे, once again will we never practice, तो क्वेश्चन में क्या भी आ गया क्या, तो we will never practice, have you got it, any doubt, okay, तो क्या आप अपने काम को अगले दिन पर टालोगे, टालना क्या होता है, will you procrastinate your works, नहीं सर मैं तो नहीं टालूंगा अपने, I will not procrastinate my works, शायद ये टालेगा सर, ये अभी सुधरा नहीं है, he may procrastinate his works, right, पर मैं नहीं टालूंगा सर पक्का है, आई विल नॉट, मैं प्रैक्टिस करूंगा सर, कब करोगे प्रैक्टिस, कितनी देर करोगे, कहाँ करोगे, कहाँ, यहीं करेंगे सर हम, घर पे नहीं करेंगे सर, करना चाहिए आपको, ठीक है सर करेंगे हम, कब करोगे भाई, पता है आपको जब सुअर उड़ेंगे सर, वी विल प्रैक्टिस व्हेन पिग्स फ्लाई, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, जैसे उसने उस दिन गाली दे दी थी, शी इसने घुमा के दिया मुंह पे, शी पास्ट की घटना चल रही है, साइन घूम लगा सकते, शी स्लैप्ड ऑन हर सरफेस, सरफेस है तो ऑन आ गया, है ना, तो she slapped on her, है ना, above नहीं आएगा क्योंकि अब तो क्या हो जाता है सर के ऊपर से गया, बच गई, above वाला, तो on, she
स्लैप ऑन हर सरफेस, कैसे बोलेंगे? फेस कहो, चीक्स कह लो, जो भी मन करे। फिर इसने पूछा, अब गाली देगी? विल यू? अब नहीं गाली दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कम व्हाट मे, बोलो राइट। तो ऐसे आपको कम व्हाट मे यूज करना है। हाँ, अब तो पिक फ्लाई करेंगे तभी दूंगे सर। आई विल अब्यूज व्हेन, अब ये इस तरीके से बात नहीं करेगी थप्पड़ लगने के बाद, ये कहेगी नहीं आई विल, क्या पता इतना कहे आई विल अब्यूज, इतने में एक और लग जाए। सर पूरा तो सुन लेती, व्हेन पिक्स फ्लाई भी कह रही थी मैं तो, है ना, आई विल अब्यूज, बट व्हेन पिक्स फ्लाई था ना। गॉट इट? सो आई थिंक आपको अच्छे से विल का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, ठीक है ना। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग आर वीडियोज़, कीप लाइकिंग आर वीडियोज़, और अपना प्यारा सा कमेंट देकर हमें मोटिवेट जरूर करें। जब आप कमेंट्स करते हो तो हमें पता चलता है कि हम सच में ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं उनसे हमें पता लगता है कि हाँ सर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सकता है जो आपकी राय हमारे बारे में, जैसे आपको वीडियो लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हो इंग्लिश सीखना तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में पता करें। सर हम कॉल करेंगे, वी विल कॉल व्हेन पिक्स फ्लाई। फिर से बोलो, ऐसा तो नहीं है ना व्हेन पिक्स फ्लाई, यानी कभी नहीं करेंगे ना। सर हम फोन ही नहीं करेंगे आपके पास, चाहे कुछ भी हो जाए, वी विल नॉट कॉल, कम व्हाट मे, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। अगर सीखना चाहते हो तो करिए, हम ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों मोड्स में जबरदस्त तरीके से क्या कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100 प्लस वीडियो सेशंस, 50 प्लस प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनंसिएशंस, ई नोट्स एंड डेली टास्क, डेली यूज वोकैब एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, अमेरिकन प्लस ब्रिटिश एक्सेंट ट्रेनिंग, टेस्ट सीरीज, कन्वर्सेशनल टॉपिक्स, इंटरव्यू स्किल्स एंड मैनी मोर, जो कि स्पोकन इंग्लिश, आईएलटीएस, पीटी, टोफल, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट, इसीलिए तो दादा ने भी कहा है। क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करे अपने इंग्लिश स्पीकिंग, आईएलटीएस, पीटीई और टेफल का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।